अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर दरबार मार्केट मेन रोड सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर दरबार मार्केट मेन रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529878931223। नमस्कार, ATL लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और हम मौजूद हैं सिवान शहर के टाउन हॉल के सभागार में। यहां पर हुसैन डे को लेकर के आप देख सकते हैं कि पीछे काफ़ी लोग यहां बैठे हुए हैं और हमारे साथ गुलाम हैदर साहब हैं। सर, क्या कैसे क्या मनाया जा रहा है यहाँ पर? ये यहाँ पर हुसैन, कौन से लोग आए हुए? सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हैं कैलाश जी। दूसरी बात ये कहना कि ये प्रोग्राम हर साल हुसैन डे के नाम से मनाया जाता है। ये प्रोग्राम जो है इमाम हुसैन इस्लाम, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे नवासे थे, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। जैसे हम लोग मुहर्रम में इनका गम मनाते हैं, उसी तरह से इनका खुशी मना रहे हैं। और इसमें आज के दिन, आज 13 तारीख को बिहार सरकार के मंत्री माननीय जमा खान और कांग्रेस के विधायक जनाब शकील अहमद खान साहब और आपको सबसे हिंदुस्तान के मशहूर वक्ता शब्बीर अली वारसी साहब और अंजार सीतापुरी, आपको शायर ऋषि पांडे शायर और फाहम साहब एक शायर हैं वो आए थे, और जुल्फकार साहब शायर आए थे। और इसमें अपने ज़िला से लेकर के पूरे बिहार और हिंदुस्तान के शायरों ने इसमें शिरकत किया और इस प्रोग्राम को सफल बना रहे हैं। इसमें जो है वो हमारे पार्टी से लेकर के और दल से लेकर, इसमें दल और पार्टी की बात नहीं, इसमें अकीदतमंद लोग आते हैं। आज मंत्री जी आए थे यहाँ पे, क्या कहा उन्होंने? क्या मंत्री जी ने कहा कि मंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि ये जो है हिंदुस्तान है, ये हमारा बिहार है, और हुसैन के रास्ते पर चल के ही हम इंसानियत को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। और हम लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए और अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म के हिसाब से अपना जो है किरदार अदा करते हुए अपने ऊपर जो है वो भरोसा करना चाहिए और हुसैन को अपना आइडियल बना करके और तब समाज में अपनों को पेश करना चाहिए। बड़े लंबे समय से इस कार्यक्रम की तैयारी आप लोग लगे हुए थे जी। कैसा रहा कार्यक्रम? जो सोचा था वो जमीन पर उतरा? हमने जो सोचा था उससे बढ़ के ये कार्यक्रम हुआ। आपने इसको तो कवरेज पहले भी किया है, लेकिन डॉक्टर एहतशाम और डॉक्टर शाहनवाज, ये सब लोग मिल करके, मंसूर आलम साहब ने मिल करके और मौलाना शमीन तुरावी साहब जो इसके अध्यक्ष हैं तंजीम हुसैनी के, उन्होंने मौलाना सैयद अली साहब गोपालपुरी जो इमाम जुमा जमात भवराजपुर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करके और इस प्रोग्राम को सफल बनाया। इसलिए ये तंजीम और हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, हम इनके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। चलिए, आपने देखा कि हैदर साहब बता रहे थे कि ये कार्यक्रम जो पिछले कई दिनों से बढ़ चढ़ के तैयारियां चल रही थी और लगातार हम भी इन लोगों के संपर्क में थे, वो कार्यक्रम आज बड़ा अच्छे तरीका से इस टाउन हॉल में संपन्न हो रहा है। उसमें जो है वो आज के प्रोग्राम में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास साहब ने भी शिरकत किया और हर मकतब फ़िक्र के लोग, हर विचारधारा के लोग इकट्ठा होकर के और हिंदुस्तान को, गंगा जमुनी तहजीब को एकता का जो है सबूत दिया और इमाम हुसैन के राह पर चलने के लिए अपने को संकल्प लिया, यही इनका आज का इरादा था। और आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा, बहुत सफल रहा, बहुत सफल। चलिए, प्रोफेसर इसरार साहब भी हैं, क्या कहेंगे? आज बड़ा अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। सबसे पहले तो मैं इस पुरमुशर्रत मौके पर, जो योम वलादत जिसको हम पैदाइश का दिन कहते हैं, जैसे आप मुहर्रम में देखते हैं जो हम लोग ताजियत, तो उसमें वो शहादत का दिन था उनका, और आज इनका बर्थडे ऑन द एब ऑफ द बर्थडे ऑफ हुसैन, हुसैन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे हम लोगों का ये कार्यक्रम हमारे चंद साथियों ने मिल करके किया और बहुत ही उम्दा। आप तो खैर इतने अच्छे अच्छे वक्ता आए थे कि आप सुनते तो लगता है कि हाँ भाई, हुसैन सिर्फ
एक कौम के लिए नहीं है, वो सार सबके लिए है, न हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हुसैन की अजमत उनकी बड़ाई। इसरार साहब, जहां आज समाज में हिंदू मुसलमान ये जहर घुलता जा रहा है, हमें लग रहा है आज इसके बीच में आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका क्या संदेश जाए? ये हम इसी तौर पे संदेश जाएगा हमारा, और यही कार्यक्रम कर रहे हैं कि हमारी जो एकता और भाईचारा, जो कॉमनल हारमोनी हमारी है, वो हमारी बरकरार है। हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारा हिंदुस्तान का वक़ार है, जो हमारी शख्सियत है, जिस आज़ादी को हमने पाया, उसको हम जिंदा और बरकरार रखें, ये हुसैन के मंच से, इसके माध्यम से समाज में हम लोग दे रहे हैं। और समाज बल्कि आज सोच के कुछ ले जाना है और बताना है समाज के अंदर कि ये नफरतों की आंधी ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। ये बिल्कुल सही कहा इसरार साहब ने कि ये नफरतों की जो आंधी है, ये बहुत दिनों तक कायम नहीं रहने वाली है। और आपको बता दें कि ये हुसैन डे जो मनाया जा रहा है, इसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के ही लोग नहीं, हिंदू समुदाय के लोग भी शामिल हुए हैं, और वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। राम इकबाल जी, आज हुसैन डे में आप शामिल हैं और यहाँ बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? हम इस हुसैन डे पर कहना चाहते हैं कि पहले तो इन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हुसैन डे को आयोजन करते हैं, कि सबको हिंदू और मुसलमान सबको इन लोग साथ शामिल करके, और मैं इस अवसर पर सबको धन्यवाद देता हूँ। और हुसैन डे के अवसर पर हुसैन साहब को याद करते हुए उनके चाहने वाले को भी शुक्रिया मैं बोलता हूँ। आइए, यहाँ आ जाइए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, हम सबसे बताइए क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके में? ये हुसैन डे का सफल आयोजन था, हम लोग एक हुसैनी समाज की तश्कील देना चाहते हैं जिसमें सभी लोग बराबर हों, सभी की आवाज़ सुनी जाए, सभी उसके महत्व को समझे और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। और कैसा रहा आज का ये कार्यक्रम जो चल रहा है, कैसा रहा? आज का सफल आयोजन रहा, जो 10 साल के बाद जो हुआ, 10 साल से हो रहा है, आज का बहुत ही सफल आयोजन रहा जिसमें सभी धर्म के लोग इकट्ठा हुए और एक साथ इमाम हुसैन को याद किए। शब्बर इमाम, औकाफ कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी और जदयू के नायब सदर। आज आप देख सकते हैं कि हुसैन डे के अवसर पे सिवान जिला के टाउन हॉल के सभागार में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इसमें अभी हमारे साथ जो इमाम साहब खड़े हैं, ये ईरान से आए हुए हैं जैसे कि हमें बताया गया है। अब हम इन्हीं से बात करेंगे कि सिवान जैसे बिहार के एक छोटे से शहर में यहाँ पे हुसैन डे को मनाया जा रहा है, क्या कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपके तवस्सुत से और आपके ज़रिए से अपने सिवान वासियों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि ऐसे शहर में कि जहां पे माशाल्लाह एक से एक हस्तियां मौजूद हैं, ऐसे मौके पर कि जहां तमाम मज़हब के लोगों का यहां पे एक इज्तिमा होता रहता है, जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुसैन डे का अहतमाम किया गया, यकीनन एक बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है तमाम आलम इंसानियत के लिए एक जगह जमा होने के लिए। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इस कमेटी के और हमारे जो इस के बहुत ही मुखलिस और मोहतरम रुकन हैं जनाब ग़ुलाम हैदर साहब, जनाब शमीम साहब के, जिनकी मेहनतों से ये एक अजीम इज्तिमा यहाँ देखने को मिला जहाँ पे हर मजहब मिल्लत के लोगों ने शिरकत की, और एक बहुत अहम ज़रूरत थी कि जिसको पूरा किया गया है। और मैं समझता हूं कि ऐसे प्रोग्रामों का यहां पे बार बार होना यकीनन एक नतीजा बख्श होगा और हमेशा इसको अंजाम देना चाहिए। मेरा नाम सैयद शफ़ी हैदर है, मैं इसी बिहार से हूं और फ़िलहाल ईरान में मैं ज़ेर तालीम हूं, और वहां यूनिवर्सिटी अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूं, और मैं इसी बिहार से एक खत्ते से यहाँ पे हूँ। देखिए, अवसर पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सर आपका परिचय देना चाहेंगे, आप सिवान में हुसैन डे के अवसर पे आए हुए हैं, आप अपना परिचय दें, उसके बाद हम बात करते हैं। परिचय मेरा कुछ नहीं है, मैं हुसैन का नौकर हूँ और अपने आका की महफिल में आया हूँ। माशाल्लाह लायक मुबारकबाद हैं यहाँ की इंतज़ामिया,
जिनको ये खुशनसीबी हासिल हुई कि वो जश्न हुसैन करवाएं, और यहाँ के लोग, छपरा के, सिवान के लोग, बिहार के लोग, उनको मुबारकबाद है कि उनको ये शरफ मिला कि वो ज़िक्र हुसैन में शिरकत करें और अपनी खाली झोलियाँ भर कर जाएं। इसलिए कि ये वो हुसैन का दरबार है जहाँ कनकर आए तो दूर बन जाता है, आसी आए तो हुर बन जाता है। साहब, जहाँ आज नफरतों की, चाहे वो धार्मिक हो चाहे उन नफरतों का जहर फैला जा रहा है समाज में, आज के समय में इस तरह के कार्यक्रम की कितनी जरूरत है? नफरतों के बादल सिर्फ हुसैन का चराग ही उसको छाट सकता है, लिहाजा ज़िक्र हुसैन करें ताकि ज़माने से अंधेरा छटे और इंसान को निजात की रोशनी नज़र आए। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर एस के अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है, वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।